था सही, कहता सही था है इंडिया को बीट करने के लिए पाकिस्तान की ट्रेन को खड़ा करना पड़ेगा। हाँ। तो खड़ा ही तो किया भाई, चलती तो है नहीं, खड़ा ही किया भाई। सही बात है, जो कहीं जितने ज्यादा ट्रैक चलाएंगे ना अपने, उतने आप इंडिया के ऊपर चढ़ा देंगे गाड़ियों, ऐसे उसको शिकस्त दे देंगे। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, कई दिनों से कुछ फनी या रोस्ट वाले वीडियो की मिक्स रिएक्शन नहीं बनाई है, तो सोचा आज ट्वी प्रो ऑफिशियल का एक पाकिस्तान रेलवे रोस्ट है तो उस पर मिक्स रिएक्शन बनाता हूँ। तो इस वीडियो में ट्वी प्रो भाई लैंग्वेज थोड़ी सी सख्त यूज़ करते हैं, तो अगर आपको ये इससे प्रॉब्लम है तो ये वीडियो मत देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अगर हमने हिंदुस्तान को शिकस्त देनी है हकीकी मानों में, हाँ, तो रेलवे को कम से कम खड़ा करना है। अच्छा, लेकिन करोगे हाँ। कैसे, इसका कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये सारा ए प्लस बी है, ठीक होगा इंशाल्लाह। बस इसी फॉर्मूले पे चल रहा है पाकिस्तानी रेलवे। जितना जबरदस्त इसका फॉर्मूला है, उतना ही जबरदस्त है पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम भी, जो आए दिन रेलवे के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है, और क्रांति ऐसी कि सुनने वालों का सिर भी चकरा जाए। वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुँचा दे, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। भाई नासा इसरो स्पेस है, बंद करो ये सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट बनाना, पाकिस्तानी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेन बना कर देगा। क्या तुम 4-5 बंदों को स्पेस में ले जाने की सोच रहे हो? पाकिस्तान की तरह कुछ बड़ा सोचो, एक बार में 2-3 हजार बंदे भरो और पलक झपकते ही ट्रेन पृथ्वी पर। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, वो कार ट्रेन की एक बोगी बनाने की नहीं, चीन से बोगियां लेकर काम चला रहे हो। लेकिन वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। पहले तू ये बता, स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज होगी या लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज होगी? ये समस्या है साला, ये बंदा तो अपने बयान जितना ही फर्जी है। भाई जहाँ एक तरफ ये लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेन बनाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ट्रेनों की सच्चाई। ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर है वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। गजब बेइज्जती है। बस फिर क्या था, और की अपनी बेइज्जती ऐसे ही थोड़ी सह लेते। बंदे लग गए खुद की बुलेट ट्रेन बनाने में, और जब इन्हें हर तरफ से नाकामयाबी ही हाथ लगी तो पोर्कियों ने अपनी नॉर्मल ट्रेनों को ही फुल स्पीड में दौड़ा डाला, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हादसात होते हैं। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पाकिस्तानी रेलवे को नाकामयाबी ही हाथ लगती हो। बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए तो क्या हुआ, पाकिस्तान से लॉस एंजलिस तो ट्रेन बना ही चुके हैं। ये जनाब ये पाकिस्तान रेलवे है और ये जा रही है इस वक्त रोड़ी से लॉस एंजलिस। आप हमारी रेलवे का हाल देख सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे ने बहुत तरक्की कर ली है। भाई ये वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ रेलवे ट्रैक पर गधा गाड़ियाँ दौड़ा करती थी, ये है नया पाकिस्तान जहाँ सब कुछ नए स्तर से होता है। जहाँ अन्य देशों में रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह चेंज किए जाते हैं, वही पाकिस्तान में क्या है। जहाँ अन्य देशों में रेलवे फाटक कुछ इस प्रकार के होते हैं, वही पाकिस्तान में मतलब भाई कंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम देखो, जो कंगाली की चरम सीमा लांघकर जुगाड़ू रेलवे की एक नई परिभाषा लिख रहा है, और जुगाड़ ऐसा कि पाकिस्तानी रेलवे देखकर अफ्रीकन देश भी पोर्कियों से कहेंगे गरीब कहीं का। और पाकिस्तानी ट्रेन उसके बारे में भाई मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देखो, फटीचर भोगी लगाई हुई है जिसमें न सीट सही है न कोई लाइट सही है। आप आ जाएंगे, सीटें रहती हैं, आप आ जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये क्या हाल है, ये सुराख होए पड़े उसमें कागज और ये इन्होंने ठोंसा हुआ। अब भाई पाकिस्तानी आवाम भी क्या करे, जब ट्रेन में छेद होंगे तो वो तो अपने बच्चों को छेद दिखाकर कहेंगे ही ये ले बेटा ये भी ठोस ले। और अब तो ये पोर्की अपने बदहाल रेलवे सिस्टम में इस कदर ढल चुके हैं कि चीन से आई हुई बोगियों को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ये बोगियां पाकिस्तान में चलेंगी। चीन से लाई गई है नई रेलवे कोचेस और लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में चलेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी साफ सुथरी और अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त है। और आखिरकार ये बोगियां पाकिस्तान में
चल ही नहीं पाई। भाई कोई इतना पनौती कैसे हो सकता है। चीन से $149 मिलियन की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में काबिले इस्तेमाल न होने का इंकशाफ। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर न बनने से ब्रेक नहीं लग सकती। इन बोगियों को मुरम्मत के बाद वॉशिंग लाइन में खड़ा कर दिया गया है। मतलब बोगियों ने 14 करोड़ $90 लाख खर्च करके चीन से बोगियां खरीदी, अब उसको अपने ट्रेनों पर चलने लायक बनाने के लिए करोड़ों रुपए और खर्च करेंगे। भाई एक लाइन में कहें तो और मजे की बात तो ये है कि इन बोगियों की जांच के लिए पाकिस्तान ने चीन अपने 88 अधिकारियों को भेजा था जो चीन में अय्याशी काटकर वापस लौटाए, क्योंकि उन्हें भी पता था भले ही चाइनीज बोगियां पाकिस्तान में चलने लायक नहीं है लेकिन लेनी तो अपने बाप चीन से ही है। पर हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तानी रेलवे की इस बदहाली के बाद भी बोगियों को अपने रेलवे सिस्टम में कोई खराबी नजर नहीं आती बल्कि उल्टा इनका कहना होता है हम लोगों का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। हर बंदे ने अपने एक एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन इंडिया के जो ज्यादा पब्लिक है जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेन के थ्रू यूज करते हैं। पहली बात, इंडिया के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे अच्छी सेवाएं प्रदान करती है, न कि इस वजह से कि इंडिया में गाड़ियों की कमी है। साला जितने तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की आबादी नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा इंडिया में सिर्फ बसें और कारें चलती हैं और बाकी रहे ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहन, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो धरती पर मौजूद तुम्हारी बिरादरी के कुछ देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा बैठेंगे। और रही बात पाकिस्तान के हर घर में 4-5 गाड़ियों की तो औकात में रहो, साला कंगाली की वजह से पूरा पाकिस्तान गधा गाड़ियों पर सफर कर रहा है, पेट्रोल डीजल डलवाने के लाले पड़ रहे हैं, खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं लेकिन बकचोदी। हर बंदे ने अपने एक एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियां रखी हुई हैं। हम लोगों का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। मतलब भाई एक तरफ इस बंदी का कहना है कि पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूर्व रेलवे मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को ट्रेन टिकट बेच बैठा है। 24 करोड़ लोगों ने ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। भाई इससे ज्यादा पाकिस्तानी रेलवे की तरक्की और क्या होगी। बंदे ने पाकिस्तान की कुल आबादी को ही टिकट बेच डाला लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है वजीर रेलवे सो रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। रेलवे मिनिस्टर की वो तो अब नहीं रहे भाई हमारे हुकूमत में, वैसे तो हैं शेख रशीद साहब, तो वो काफी सुनाते थे हमें फनी लतीफे वगैरह, लेकिन अब भाई उससे ज्यादा साद रफीक नहीं है जिसने बुल ट्रेन का उनको बोला था और आगे से वो हंस पड़े कि भाई ये कौन से ख्वाब देख रहे हो, ये अगर एक बारिश आ जाए तो इधर रेलवे पटरियां नहीं मिलती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही जबरदस्त रोस्ट किया है ट्रिब्रो भाई ने। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये ऐसे ही वीडियो बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये सिर्फ रोस्ट नहीं करते, उसके साथ साथ इनके वीडियोस में मैसेज भी होते हैं पाकिस्तानियों के लिए, जो वो बताते हैं वो सच्चाई बताते हैं और रोस्ट के अंदाज में क्रिटिसाइज करते हैं कि इन रेलवे के बारे में भी उन्होंने बताया कि ये लोग चीन को अपना भाई मानते हैं, उन्हीं से डब्बे खरीदे और वो किसी काम के लायक नहीं थे, उनको रिपेयर करना पड़ा कुछ और खर्चा करके तब जाके ये चल पाएगी पाकिस्तान में। तो ये ऐसे मैसेज देते रहते हैं और कई बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको तो रोस्ट करना बनता ही, और ट्रिब्रो भाई ऐसे तो किसी को छोड़ते नहीं है। तो वो जो बंदी बोल रही थी कि पाकिस्तान में हर किसी के पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करती, अरे यार आपके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि कोई यूज़ नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ इतना यूज़ इसलिए है क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छे है, ट्रेन टाइम पर चलती है और सेफ भी है, और कई सारे ऐसी लोकेशंस है जहाँ आप अगर गाड़ी से जाए तो बहुत टाइम लगेगा और प्लेन से जाए तो आपको टिकट महंगा पड़ेगा। तो ट्रेन ऐसी एक चीज़ है जो आप सस्ती भी होगी और गाड़ी से जाने के बदले ट्रेन में आप जल्दी पहुंच भी जाएंगे। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।